इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और MPPSC लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। कैसे हैं? माय नेम इज सुनील मिश्रा और हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय इतिहास प्री परिपेक्ष में भी और मेंस परिपेक्ष में भी, राइट? वॉल्यूम क्लियर है? सभी लोग आ जाएं क्लास पे। गुड मॉर्निंग, सभी लोग आ जाएं क्लास पे। ऑनलाइन आ गए सब? वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील मिश्रा है। हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा विषय है। हिंदी मीडियम के सभी छात्र और छात्राएं ऑनलाइन हो जाइए। साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? ओके। हम लोग आज देख रहे हैं थोड़ा सा भारतीय इतिहास, किस तरीके से ये विषय हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन हर वर्ष प्री परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और यह विषय काफ़ी निर्णायक है। आपके रिजल्ट में प्लेड अ वाइटल रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। दैट इज़ वाई, इसीलिए इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूंकि हम एक सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हमारी हिस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए, इतिहास का, हमारी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सभी जन आ जाए ऑनलाइन। रीता मनीषा आई हैं, अभी बाकी सब लोग आ जाएं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना? सभी लोग अपना अपना ऑनलाइन रेडी रहिए, फिर मैं शुरू करूं। बढ़िया सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हिस्ट्री मज़ा आएगा इतिहास में। हम लोग थोड़ा सा इंट्रो लेके उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक इसको पर्टिकुलर देखेंगे विषयवार। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी जन आ जाएं। पूजा, यस, अब बढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। इंडियन हिस्ट्री को हमने, भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत, आपका जो इतिहास है वो तीन भागों में बटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। ओके, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, राइट? बट इसके पहले कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, उसको हम देख लें। हालांकि हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं वो लोग, प्री हो चाहे मेंस हो, लेकिन एकाध क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा पाषाण युग या ताम्र युग का भी एकाध क्वेश्चन आता है। ओके, तो आपकी हिस्ट्री तीन में बटी है। उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखते हैं, ये थोड़ा सा बुक्स में आपको प्रॉपर अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो ध्यान से देखिए, सभी जन ध्यान से देखिए। शुरुआत हम करेंगे आज AD और BC, भारतीय इतिहास की शुरुआत हो रही है। तीन पार्ट हैं इसके, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। पर उसके पहले क्या हुआ, जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो ईसा पूर्व और ईसा बाद आपको खूब बुक्स में मिलता है। इसको देख लें और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और देख लें, राइट? हम लोग इसको थोड़ा सा हिस्ट्री और मैथ्स के कंसेप्ट में समझें। तो
काफी अच्छा आपको और समझ में आएगा। हम लोग जब गणित में ग्राफ के क्वेश्चन करते थे, जब हम लोग गणित में ग्राफ के क्वेश्चन करते थे तो ये माइनस है, ये प्लस होता था। इसी से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लोकेट किया है। क्या हुआ, ये जीरो है, ये जीरो हमारे लिए माइलस्टोन क्यों था, यहीं पर आपके यहां जीसस क्राइस्ट, जीरो की बात है, जीसस क्राइस्ट तो हमारे लिए माइलस्टोन बन गया जीरो। घटनाएं आपके यहां चली आ रही थी, घटनाएं बहुत पहले से चल रही है, जैसे अब हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे तो सिंधु घाटी शुरू होगा, बट हमारे पहले माया सभ्यता अमेरिका की, जापान की वांगो सभ्यता, ये पहले से ही प्रचलन में थी, पहले से इनका उदय हो चुका था। सो यहां पे हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा एक मील का पत्थर नहीं था कि हम क्या करते, जैसे आप एक दीवार बनाते हो ना, आधा भाग इधर आधा भाग उधर, उसी तरीके से क्या हुआ, जीरो के पहले की घटना को क्या बोल दिया, ईसा पूर्व। जीरो की पहले की घटना को क्या बोल दिया, ईसा पूर्व, और जीरो के बाद की घटना को ईसा बाद बोल दिया। राइट, क्लियर हो रहा है, एडीबीसी पे हमें थोड़ा सा, सभी लोग कंसेंट करें, आज पहली क्लास है, पहला इंट्रो हम लोगों का, थोड़ा सा कंसेंट्रेट करेंगे, आराम से सुनेंगे तो पूरा हिस्ट्री आपका क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ओके, एडीबीसी से थोड़ा शुरू किया है क्योंकि आपकी शुरुआत ईसा पूर्व से होगी, इतिहास हम लोग थोड़ा सा ईसा पूर्व जाके पढ़ेंगे, इसीलिए हमारा एडीबीसी क्लियर होना चाहिए। तो क्या हुआ, ये जीरो है, यहां से आधा, यहां से कुछ पार्ट अलग कर दिया, बांट दिया गया है, तो जीरो के पहले ईसा पूर्व और जीरो के बाद ईसा बाद हो जाएगा। राइट, ये माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है, इसीलिए ईसा पूर्व क्या होगा, ईसा पूर्व रिवर्स में आता है, जैसे 9000, 8000, 7000, क्यों, ये जीरो पे आओगे तभी फिर आप एक से यहां आगे बढ़ोगे, अभी 2020 चल रहा है। क्लियर है, क्या हुआ, जीरो में हम जानते हैं जीरो और एक एडी के आसपास जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, बहुत भगवान है क्रिश्चियनों के, बहुत फेमस हुए, रोमन कैथोलिक में बहुत आगे रहे, बाद में इनको सलीब पे चढ़ा दिया गया, तो हमारे लिए क्या हो गए, बहुत बड़ा एक मील का पत्थर हो गए। तो जीरो के पहले ईसा पूर्व, जीरो के बाद ईसा बाद, नाम से ही हो गया इनके क्लियर, ये रिवर्स में रहेगा, ध्यान रखना, बीसी जो है वो रिवर्स में रहेगा। इनके फुल फॉर्म आते हैं, इनको भी याद कर लीजिए, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, ये लोग हम हमारी सहूलियत के बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एनो डोमिनो, एडी का मतलब समझते हैं, एनो डोमिनो होता है, अगर आपको प्री परीक्षा में आप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके, एडीबीसी का फुल फॉर्म आया था एक बार, एडी का मीन्स एनो डोमिनो और बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, कुछ स्कॉलर्स को क्या कहते हैं, आफ्टर डेथ, डेथ किसकी, जीसस की डेथ, ठीक है, तो ये बीसी है और ये एडी है। ओके, ईसा पूर्व और ईसा बाद, बहुत सिस्टमेटिकली ग्रेजुअली हम लोग इस विषय को लेके चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप कंसंट्रेट रहेंगे, बस पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। राइट, इसको थोड़ा सा हिस्ट्री मैथ्स के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। माइनस हो गया, प्लस हो गया, इसीलिए बीसी जो है वो रिवर्स में आता है। ठीक है, एडीबीसी क्लियर हो गया है अच्छे से, जीरो के पहले ईसा पूर्व, जीरो के बाद ईसा बाद, और जो ईसा पूर्व है वो रिवर्स में आएगा, तभी हम लोग जीरो पे पहुंचेंगे, फिर एक से शुरू करेंगे नई गिनती, चूंकि हम लोग यहां से एक से एडी में नई गिनती शुरू करेंगे इसलिए हम इसको रिवर्स में लेते हैं। राइट, अगर ये जीसस क्राइस्ट वाला माइलस्टोन नहीं होता तो फिर अभी आपके इतिहास चलता रहता, लेकिन अब हमारे पास इसकी व्यवस्था है, तो यहां पे जीरो पे रिवर्स में एंड होगा, फिर एक से शुरू करेंगे हम यहां पे एडी, ये बढ़ता चलेगा, ये रिवर्स में आएगा। राइट,
ईसापुर और ईसाबाद, क्लियर है सभी जन को? क्लियर है तो आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से भारतीय इतिहास आपका तीन भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। एडीबीसी का भी हमने इससे चर्चा कर ली कि हम लोग कुछ इतिहास जो है वो ईसा पूर्व का पढ़ेंगे, इसलिए हमने एडीबीसी की यहां पे चर्चा करी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि आपके यहां और कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, जैसे तीन वर्ड आपको जरूर मिलेंगे इतिहास में। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक मीन्स, प्रागैतिहासिक क्या होता है, प्री हिस्ट्री इसको आप कहते हो। प्रागैतिहासिक मतलब होता है कि हमें ये ऐसा टाइम था काफी वर्ष पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व, लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ना, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा समय था जिसका हमें कोई विवरण नहीं मिला है, हमारे पास कोई इसका साक्ष्य नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, फिर हम लोग प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत को एक एक करके ओपन करेंगे। उसके पहले की कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जिससे एक आध क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राइट, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एडीबीसी को क्लियर किया पहले हम लोगों ने, फिर कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको जैसे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये तीन आपको टर्मोलॉजी शब्द मिलेंगे। प्रागैतिहासिक मीन बहुत प्राचीन, जिसका हमारे पास कोई विवरण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक मीन्स हमारे पास विवरण तो है पर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, लिखित विवरण तो है पर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक मीन्स जिसका विवरण भी है और जिसको पढ़ भी लिया गया हो। तीन शब्द मिलेंगे आपको, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आद्य ऐतिहासिक किसको कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, हमारे पास लिखित विवरण तो है बट उसको हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए। और ऐतिहासिक में हमारे पास लिखित विवरण भी है और हम उसको पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, जैसे आद्य ऐतिहासिक में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कल्चर को देखेंगे। राइट, तो ये तीन शब्द आपको मिलेंगे। क्लियर है, फिर से देख लीजिए, एडीबीसी क्लियर हो गया था। ओके, सभी लोग कंसंट्रेट रहेंगे क्लास में। एडीबीसी क्लियर है। अब तीन टर्मोलॉजी मिलेगी आपको शब्दावली, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये नॉलेज के लिए कर्सरी व्यू है ये, कि सिंधु घाटी शुरू करने के पहले आपके यहाँ कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट हैं उन पर डिस्कशन जरूरी है, फिर आपका इतिहास काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। तीनों पॉइंट, प्राग ऐतिहासिक में हमारे पास कोई विवरण नहीं है, आद्य ऐतिहासिक में हमारे पास लिखित विवरण है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी और वैदिक कल्चर, और ऐतिहासिक में हमारे पास विवरण भी है और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया है। ओके, ये तीन टर्मोलॉजी थी। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा एक आध बहुत बेसिक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बनता है कि जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक की बात करते हैं, जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक की बात करते हैं तो मान के चलें कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पे आपके यहाँ टोटल पाषाण काल था जब प्राग ऐतिहासिक की हम बात करेंगे, तो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व की बात हम करते हैं। ये मान के चलिए यहाँ पे टोटल पाषाण काल था, मतलब पत्थर युग था, ये पूर्णतः पत्थर युग। यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग होता था, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, इसको हम प्रस्तर युग भी कहते हैं, इसको हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक में क्या कहेंगे कि पाषाण काल था,
प्रस्तर काल था जहां पत्थरों का यूज होता था। 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व की बात हो रही, काफी लंबा टाइम हो गया है। आज से हम बात करें तो 5 लाख और आज जोड़ दो 2000 में, ये आपका पाषाण काल था। ठीक है, यहां पे जब थोड़ा टाइम बीतता गया तो मध्य पाषाण काल आ गया जिसमें मछली का प्रयोग होने लगा। नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ शुरू हो गया था। जब नव पाषाण काल आपके यहाँ आया तो उसमें कृषि का आरंभ शुरू हो गया था। इसको हम 6000 ईसा पूर्व करीब मानते हैं कि आपके यहाँ कृषि का जो प्रारंभ था वो लगभग 6000 BC 6000 ईसा पूर्व वर्ष शुरू हो गया था। ओके, तो ये आपके यहाँ प्राग ऐतिहासिक में हम पाषाण काल को पढ़ते हैं, जो कि बहुत पुराना था, राइट। इसके बाद हम क्या देखते हैं आद्य ऐतिहासिक में, तो हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक में आपके यहाँ सिंधु घाटी आ जाता है, वैदिक काल आ जाता है कि विवरण तो है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, राइट। फिर एक हम देखते हैं ताम्र पाषाण में क्या हुआ था, तांबे और पत्थर का प्रयोग हुआ था। ताम्र पाषाण मतलब तांबे और पत्थर का प्रयोग यहाँ पे यू किया गया। आप जानते हैं सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी, उसको किसमें मिक्स किया गया, पत्थर के साथ। उसके कैसे आप समझेंगे कि तांबा और पत्थर मिक्स करके यहाँ पे औजार बनाए जा रहे हैं। ठीक, पहले टोटल पाषाण था, फिर ताम्र काल आया और फिर आ गया लोह काल। लोहा आ गया आपके यहाँ 1000 ईसा पूर्व के आसपास। जब आपके यहाँ वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोहे का इंट्रोड्यूस हुआ। आप जानते हैं सिंधु घाटी वाले लोहे का परिचय इनको नहीं था, वैदिक काल वालों को लोहे का परिचय था। तो हम लोग जब लोह काल पढ़ेंगे तो ये कौन सा पीरियड है, वैदिक काल वाला। तो ये जस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन कहीं हिट हो जाते हैं ये, क्योंकि ये भी हमारे हिस्ट्री का एक हिस्सा है। ADBC फिर से देख लीजिए, ईसा पूर्व ईसा बाद, है ना, जीरो के पहले ईसा पूर्व, जीरो के बाद ईसा बाद हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स में आएगा, जो ईसा पूर्व रहता है उसको हम रिवर्स में काउंट करते हैं। ओके, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जिसका कोई विवरण नहीं है, आद्य ऐतिहासिक विवरण तो है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐतिहासिक विवरण भी है और पढ़ भी लिया है हमने। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा पाषाण काल आया जो कि बहुत प्राचीन था, पत्थर का प्रयोग होता था। फिर आया ताम्र काल, ताम्र पाषाण कहते हैं हम उसको, कॉपर तांबा और पत्थर को मिक्स करके धातुएं बनाई गई। और थर्ड आता आपके यहाँ प्योर आयरन, लोह काल जिसको हम कहते हैं, लोहे का इनको नॉलेज हो गया था 1000 ईसा पूर्व में। ओके, ये एक दो क्वेश्चंस के छोटे मोटे टॉपिक्स थे। यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके इतिहास को हम जान सकते, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। अब आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, ठीक है, सीक्वेंस बन रही है। पहले इतिहास, इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम लोग, कि जो अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं, जो आपके यहाँ बीत चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विषय, जो घटना हो चुकी है उसको हमने कह दिया इतिहास। ये परिभाषा हो गई, ADBC हो गया, कुछ वर्ड्स हो गए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें तो आपका जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के समय लिखा गया है। हमारे यहाँ के कोई स्कॉलर्स 4000 साल 3000 साल पुराने नहीं गए थे। पूरा हिस्ट्री जब हो गया तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इस इतिहास को पूरा वर्णित किया है। आपने देखा होगा अभी जब हम लोग सिंधु घाटी पढ़ेंगे तो 1921, ठीक है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ये सब कब की बात है, ये अभी 100 साल पहले की बात है। तो जो आपकी विषय है ये काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इस विषय को वर्णित किया गया है, उसको लिखा गया है
ब्रिटिशर्स के समय, अंग्रेजों के समय। ओके, अब आप देखें तो 4-5 हजार साल पुराना हमारा इतिहास है, उस समय तो कोई संभव नहीं हो पाता था। जब ये पूरा हो गया तो ब्रिटिशर्स ने इसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट किया, उसको समझा और फिर हमारे समक्ष इसको प्रस्तुत किया। इसलिए ये अंग्रेजों के द्वारा वर्णित किया गया आपको पूरा इतिहास है और ट्रांसलेट है, जो जो घटना उनने सुनी देखी उसको उनने यहाँ पे वर्णित कर दिया। अब हम जब हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं इतिहास, तो उसके पहले हम ये जान लें कि आपके इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, सोर्सेस, कि भाई आपको हिस्ट्री का पता कैसे चला। राइट, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, हम लोग ऑनलाइन हैं, है ना, तो कुछ सब कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा फ्रिक्वेंटली। राइट, क्या चर्चा कर रहे थे, आपके इतिहास को जानने के कुछ सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, भाई हमको कैसे पता चला क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स कौन सा आता है, पुरातात्विक। राइट, सबसे पहले सोर्स कौन सा आया, पुरातात्विक। फिर हम आते हैं साहित्यिक, और फिर आते हैं हम विदेशी। क्लियर हो रहा है? ओके ओके, क्या बोल रहे हैं हम, इतिहास में जब हम पढ़ रहे हैं उस चीज को, उस विषय को, हमको कैसे पता चला, हमको कैसे पता चला, हाउ डिड वी नो, हमको कैसे, हम कैसे जान पाए कि भाई सिंधु घाटी था, वैदिक कल्चर था, मौर्यंस आए, मुगल्स आए। तो इसके लिए जो हमारा टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पूरे इतिहास को जानने के स्रोत जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, उसको हम लोग सबसे पहले देखें। ठीक है, ये प्री के क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर साल अगर आप आंसर उठा के देखेंगे। अब मैं आपको जाते हैं थोड़ा सा बता दूंगा पढ़ने का तरीका, कि हर साल मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, विशेषकर प्राचीन भारत के लिए था तो हमको एक सपोर्ट मिल गया, बाकी आगे तो फिर हमारे पास काफ़ी सोर्सेस थे जिससे हमने इस चीज़ को जान पाए। राइट, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पुरातात्विक। जानते हो पुरातात्विक में क्या क्या आता है, इसको ऐसा कर लीजिए, देखिए डायग्राम से आप स्टडी करेंगे तो आपको जल्दी याद भी होगा और हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पे जो मार्क्स मिलते हैं वो इसी तरीके से, डायग्राम मीन्स मतलब जस्ट थोड़ा सा एक लुक दिखना चाहिए। पुरातात्विक जानते हैं, सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें एक आता है अभिलेख। ओके, फिर आते हैं सिक्के, फिर आता है स्मारक, यस गीतांजलि गुड आफ्टरनून, हाँ थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बाकी फिर अब कल से अपना रेगुलर समय पे आ जाएं 11:45। ओके, भारतीय इतिहास शुरू किया हम लोगों ने, उसके पहले कुछ कंसेप्ट देखे थे ADBC के, मैं फिर से आपको बता दूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ओके, इतिहास जानने के आपके पास स्रोत क्या क्या थे, सबसे पहले हम क्या आते हैं, पुरातात्विक। पुरातात्विक में क्या क्या आता है, सिक्के आते हैं, अभिलेख आता है और स्मारक भवन। पुरातात्विक मीन्स जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो एक विभाग भी इसके लिए बना दिया गया है, जो पुरानी चीज़ों का उत्खनन करते हैं, फिर उससे बताते हैं कि भाई इस समय क्या स्थिति थी। ठीक है, जैसे अभिलेख, अशोक के अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, है ना। सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ से रुद्रदामन का मिला था। अभिलेख मतलब क्या होता है, कि इन्होंने एक
जब रिसर्च किया तो इन्होंने पाया कि भाई कुछ वर्णित है और उसमें अशोक के बारे में लिखा है या रुद्रदामन के बारे में लिखा है, तो सिंपली इसको एक नाम दे दिया इन्होंने, अभिलेख। ओके, सिक्के में क्या कहेंगे, ये भी आपका पुरातात्विक का ही भाग है। हम क्या कहते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, पहली बार सिक्के हिंद यूनानियों ने आरंभ किए थे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत में हम लोगों ने 3 स्रोत देखे हैं, ये आपके हर परीक्षा में, यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, बहुत हिट क्वेश्चन है। इसमें कुछ प्री के बन जाते हैं फैक्चुअल और मेंस में तो बनते ही है। आप अनसॉल्व देखेंगे, लास्ट एक अनसॉल्व अपने पास रखिए, नोट्स थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। लास्ट एक के पेपर जरूर रखेंगे आप प्री और मेंस का, तो क्वेश्चन के आपको पैटर्न पता चलते जाएंगे कैसे आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग भी आपको बताएंगे। ये पहला टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। पुरातात्विक हुआ, अभिलेख, सिक्के और स्मारक, तीन पुरातात्विक में 3 भाग मिलेंगे। सिक्के में क्या कहते हैं हम लोग, सबसे पुराने सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए, कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए, तो वहाँ से हमको फिर अध्ययन मिला कि भाई कुषाण के समय ये था। स्मारक भवन समझते हैं, जो भवनों का निर्माण होता था, स्मारकों का निर्माण होता था, मंदिरों का निर्माण होता था। आप जानते हैं मंदिर की 3 शैलियाँ हैं, मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ हैं, कोई बताएगा, एनीवन, सभी लोग क्लास में कंसंट्रेट हैं, कोई बताएगा मंदिर की 3 शैलियाँ 3 शैलियाँ होती थी मंदिर की। देखो, नागर शैली जो उत्तर भारत में होती थी, दक्षिण में द्रविड़ शैली होती थी और मध्य में बेसर शैली होती थी, राइट। मंदिर की 3 शैलियाँ हैं, है ना, जो मंदिर होते थे उनकी 3 शैली हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। ओके, नागर मींस उत्तर भारत, द्रविड़ मींस दक्षिण भारत, जो मंदिर बनते थे। अभी हम लोग इसका डीपली अध्ययन करेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के इंट्रो पे हैं, है ना, तो इसका डीपली अध्ययन होगा आगे। तो नागर शैली में कुछ मंदिर बनती थी वो उत्तर भारत में, दक्षिण में बनती थी वो दक्षिण द्रविड़ में, और जो मध्य भारत बनती थी उसको हम कहते थे बेसर शैली, राइट। ये 3 शैलियाँ हो गई, ये कहाँ पे आता है, पुरातात्विक के 3 पॉइंट में, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। ओके, दूसरा हमारे पास क्या आता है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक में हम क्या देखते हैं जानते हैं, एक होता धार्मिक और एक होता लौकिक। सभी लोग कंसंट्रेट हैं, थोड़ा सा फर्स्ट डे है ना, अभी अपन रूटीन में आ जाएंगे और फुल फ्लैश फॉर्म में आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, ये आपका भी इंट्रो चल रहा है, फिर आप अभी परसों तरसों से आपका वापस फिर से टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा। पहले हम उस विषय को समझें कि विषय क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम लोगों ने क्वेश्चन को ओपन किया है, 3 स्रोत हैं हमारे पास, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी। पुरातात्विक में 3 पॉइंट आते हैं, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरा हम लोगों ने खोला है साहित्यिक, धार्मिक साहित्य होता है और लौकिक साहित्य होता है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे वेद, आपके यहाँ 4 वेद हैं, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, सामवेद है, फिर अथर्वेद है, ओके, और यजुर्वेद, ठीक है। फिर हम अध्ययन करेंगे धार्मिक में उपनिषद का। उपनिषद क्या होते हैं, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये कुल 108 हैं, ओके। फिर आते हैं हम लोग अरण्यक पर, अरण्यक मतलब होता है जो जंगलों में बैठ के पढ़ते थे, उसको हमने कह दिया अरण्यक। एक्चुअली ये ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग हम कहते हैं अरण्यक को, है ना। उसके बाद हम आते हैं वेदांग, वेदों को अच्छे समझने के लिए वेदांग की बात आ गई, ठीक है।
वेदों को अच्छे समझने के लिए हम क्या देखते हैं, वेदांग क्या देख रहे हैं हम लोग? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक के दो भाग हैं, धार्मिक है और लौकिक है, राइट? धार्मिक में वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, जितने आपके यहां धार्मिक कंसेप्ट हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लौकिक में क्या आते हैं? लौकिक लौकिक जानते हैं साहित्य, ऐसा साहित्य जो उस समय के समाज का सारा आकलन करता हो और उस समय के समाज का अध्ययन करता हो, है ना, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो ये भी हम लोगों के पास एक स्रोत के रूप में आया, ठीक है, कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने बुक्स के माध्यम से लौकिक साहित्य को आगे बढ़ाया कि समाज कैसा था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी, व्हाट्स एवर। ओके, लौकिक पे आ गए हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पुरातात्विक हो गया, साहित्यिक हो गया, ठीक। अब इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहले विषय को समझेंगे। विदेशी स्रोत में क्या आ जाएगा? जो आपके यहाँ विदेशी साहित्यकार थे, आप जानते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, क्या लिखी थी इसने? यस, कोई बताएगा मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। यूनान के थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यूनान का जो राजा था सेल्यूकस, उनने इनको भेजा था। अभी सब ये आगे इसका डीपली ब्रीफली अध्ययन होगा, राइट? पिक्चर क्लियर हो रही है? उस विषय को अभी हम समझ रहे हैं जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन भारत से थोड़ा सा उठाएंगे, फिर मध्य, फिर आधुनिक, फिर हम लोग एक दिन पूरा इंट्रो लेके डेमो करके फिर एक एक विषय को, एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को ग्रेजुअली रूप से उठाएंगे। ओके, विदेशी स्रोत में क्या बोल रहे हो? इंडिका, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी लोग चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज इंडिका लिखी। ऐसी आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था, हर्षवर्धन के समय वेनसोंग आया था, गजनी के समय अलबरूनी आया था। ओके, इसी तरीके से जो विदेशी स्रोत थे ये लोग आके यहाँ का अध्ययन करते थे, यहाँ के समाज के बारे में लिखते थे, यहाँ पर कैसा राजा का राज्याभिषेक होता है इसका पूरा वर्णन करते थे। मेगास्थनीज की इंडिका में काफ़ी चीज़ों का वर्णन है, भारतीय समाज का वर्णन है, दास कैसे रहते थे, कृषक कैसे रहते थे। तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स हो गया, ओके, इतिहास जानने का एक सोर्स हो गया। ओके, यस, बबलू, बबलू कुछ पूछ रहे हो क्या? राइट, वो आगे बढ़े। जो भी विदेशी साहित्यकार आए उन्होंने यहां का वर्णन किया, यहां के समाज का वर्णन किया, यहां के सारी स्थितियां, राजनीतिक धार्मिक स्थितियों का वर्णन करके हमको बताया कि भाई इस तरीके से यहां पे इस समय ऐसा होता था, राजा ऐसे कार्य करता था। ओके, ये हमारे पास हो गया विदेशी स्रोत। तो क्या देख रहे थे हम लोग कि जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले तो एडीबीसी क्लियर है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्लियर हो गया, फिर हमने देखा पाषाण, ताम्र पाषाण, फिर लोह काल, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं? जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय का हम देखें कि हमारे पास पहुंचा कैसे, सोर्स क्या थे, आपके पास कोई चीज पहुंच रही किस प्रकार से, राइट। उस सोर्स में, उस स्रोत में तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं, पुरातात्विक है, साहित्यिक है और विदेशी है। इन तीनों के द्वारा हमें पता चला कि उस समय, चाहे वो अशोक का पीरियड हो, चाहे सिंधु घाटी हो, वैदिक काल हो, मौर्यंस हो, गुप्तंस हो, शुंग हो, मुस्लिम्स हो,
किस तरीके से उस समय इतिहास को वर्णित किया गया, क्या क्या होता था, ये हमको इन तीनों के द्वारा पता चलता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हो गए। ठीक है, तीन स्रोत हो गए इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपका मुख्य परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर देखें प्री में भी आता है, मुख्य परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत आपको जरूर क्वेश्चन में मिलेंगे। क्लियर है? अब हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी, एडीबीसी, उसके बाद जो इतिहास के चरण हैं उनको देख लिया था, फिर इतिहास जानने के स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी। अब हम देखते हैं कि आपका जब इतिहास शुरू हुआ, आपका इतिहास तीन भागों में है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्राचीन भारत। इतिहास का पहला कौन सा भाग आएगा, सबसे पहले प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की शुरुआत आपकी होगी सिंधु घाटी से, इट मींस 2500 ईसा पूर्व से आपका प्राचीन भारत शुरू हो जाएगा। ओके, अभी तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पूछ लीजिए, कोई भी समस्या हो तो बताइए। 2500 ईसा पूर्व से हमारा भारतीय इतिहास का पहला भाग प्राचीन भारत शुरू होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ये रहता है 1206 ईसा बाद तक, 2500 ईसा पूर्व से 1206 ईसा बाद तक हम प्राचीन भारत के इतिहास का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है आपका मध्य भारत, सेकेंड आता है मध्य भारत, 1206 से 1707 तक आपका मिडिवल हिस्ट्री मध्य भारत रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, 1717 से, अब हम लोग 1947 ना कहें, अब 1965 कहें हम लोग, क्योंकि इंडो चाइना वार और इंडो पाकिस्तान वॉर, भारत चाइना और भारत पाकिस्तान युद्ध को भी अब एक आध क्वेश्चन यहाँ पे हिट होता है। लास्ट ईयर्स देखें अगर आप यूपीएससी पीएससी में, तो दोनों कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से दोनों युद्धों से पूछते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राचीन भारत हमारा शुरू होता है सिंधु घाटी से, जो कि 2500 ईसा पूर्व रहा। हम लोगों ने एडीबीसी क्लियर कर लिया है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब एडीबीसी हम लोग क्लियर कर रहे थे तो हमारा इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, 2500 ईसा पूर्व से, ये बीसी है और ये क्या है, एडी है। हाँ अरुण, 1202 ईस्वी पूरा है, 1206 है अरुण, दो नहीं है। फिर से देख लो, प्राचीन भारत शुरू होगा सिंधु घाटी से, हम लोगों ने जब एडीबीसी कंसेप्ट देखा था तो ये ईसा पूर्व था ना, तो 2500 ईसा पूर्व से आपका शुरू होगा क्या, प्राचीन भारत, और पूरा ईसा पूर्व खत्म करके फिर हम लोग एडी पे आएंगे 1206 तक, राइट। अब यहां पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अगर वो पूछता आपसे कि आज से कितना टाइम हो गया है, अगर वो आपसे पूछेगा कि हमारे भारतीय इतिहास को या प्राचीन भारत के इतिहास को शुरुआत में, वर्तमान शुरुआत जब हुई थी और आज टाइम, तो ध्यान रखो 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी हुई और अभी क्या चल रहा है, 2020, तो ये लगभग 4500 साल पुराना इतिहास है। क्वेश्चन आया था ये एक बार, हाँ 1206 है, यस वेरी गुड अरुण, 1206 है वो। मैं और बता रहा हूँ एक बार, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखिए आपका प्राचीन भारत कहाँ से शुरू होगा, सिंधु घाटी से, मींस 2500 ईसा पूर्व से होगा। ओके,
अब 2500 ईसा पूर्व से जब होगा तो एक क्वेश्चन आया था, यहां से मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी दे रहा हूं कि आज से कितने साल हो गए। तो घटना चूंकि बीसी की है, समझिएगा सब लोग कंसंट्रेट हैं, घटना कब की है? ईसा पूर्व की है। और अभी क्या चल रहा है? ईसा बाद 2020, तो उतना ईसा पूर्व आज में जोड़ दीजिए। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? एक बार क्वेश्चन आया था, आप अगर देखेंगे एमपीपीएससी का अनसॉल्व तो आपको मिलेगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है। तो आप जानते हो कहाँ से उठा था क्वेश्चन? वो एडीबीसी से उठा था, उसका कंसेप्ट जो था वो एडीबीसी से था कि जितना भी बीसी होता है उसको हम आज के 2020 में जोड़ देंगे, तो इतने वर्ष हमको हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? 4520। तो एक राउंड फिगर में हम कह दें, ऑप्शन ऐसे आए थे 4.5, 4, 3 ऐसे। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? सभी लोग कंसंट्रेट हैं, क्लास में हैं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 2500 ईसा पूर्व में आपकी सिंधु घाटी शुरू हुई प्राचीन भारत, तो आज से उसको कितना टाइम हो गया? अगर हम कहेंगे तो राउंड फिगर में हम कह दें लगभग 4500 साल हो गए हैं। मीन्स 4500 साल पुराना हमारा इतिहास है, 4500 साल पुराना हमारा सिंधु घाटी है। वहाँ से लेके अभी तक हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, कैसे इतिहास हमारा आगे बढ़ा, घटनाएं घटती गई, स्थितियां बदलती गई, परिवर्तन होता गया और हम लोग आज 2020 पे आ गए। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? जैसे हम लोगों ने मेंस परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय के स्रोत देखे, इतिहास जानने के स्रोत, प्री परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे? तो एडीबीसी कभी कभी वो लोग फुल फॉर्म ना पूछ के क्या बोल देंगे कि भाई सिंधु घाटी आपकी कितनी प्राचीन है। तो सिंधु घाटी हमारी 2500 सिंधु घाटी ईसा पूर्व में थी, आज के 2000 में जोड़ देंगे हम उसको 20 में, तो लगभग 4500 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है जो हमको प्रोसेस वाइज विषयवार चरणबद्ध अध्ययन करना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी से लेके अब हमने आपको बताया था कि रिवर्स में आएगा, सिंधु घाटी आपकी रही थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी का टाइम पीरियड क्या है अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे, 2500 ईसा पूर्व से 1750। अब इसकी हम घटनाएं पढ़ेंगे, कैसे सिंधु घाटी आई, कैसे सिंधु नदी पे एक नाम पड़ गया, हम इसको हड़प्पा भी कहते थे क्योंकि पहला स्थान हड़प्पा था हमारा। सभी क्लियर हो रहा है सभी को? सभी कंसंट्रेट हैं? चलिए वापस आए क्लास पे। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता 4500 साल जो कि प्राचीन है उसमें टॉपिक वाइज एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे उसका नाम पड़ा, कहाँ इसका उदय हुआ, उसमें प्रमुख नगर कौन से थे, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी सिंधु घाटी की, इनका जो धार्मिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सारी स्थितियों को हम वर्णन करेंगे अध्ययन करेंगे, और सिंधु घाटी का पतन कैसे हो रहा है ये भी हम इसमें वर्णन करेंगे। क्योंकि हमारी जो क्लास है इट इज़ कंसर्न विद द प्री कमेंस, ओके, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को बराबर में रखते हुए हम लोग इस विषय का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में फैक्चुअल प्लस एनालिसिस दोनों, और मेंस में एनालिसिस और लेंथी क्वेश्चन। राइट, वापस आ जाएं, प्राचीन भारत की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सिंधु घाटी से, 4500 साल पुराने हैं। सिंधु घाटी को हम क्रमवार देखेंगे, 2500 से 1750 वापस आएंगे, रिवर्स आता है ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? एक सभ्यता गई, सिंधु घाटी खत्म हो गई, दूसरी सभ्यता आ जाएगी। राइट, दूसरी सभ्यता क्या आ गई? वैदिक काल हम इसको कहते हैं। इसका पीरियड क्या था? 1500 से 600। ओके, राइट, हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राचीन भारत कहां से शुरू हुआ? ये सिंधु घाटी से। राइट, 2500 ईसा पूर्व से। सेकंड क्या आ जाएगा? वैदिक काल,
ये 2500 से कहां तक रहा, 1750। सेकेंड, एक सभ्यता गई, दूसरी आ गई, ये रहेगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। पिक्चर क्लियर है? कहां से शुरू हुआ हमारा प्राचीन भारत? सिंधु घाटी से, 2500 ईसा पूर्व से लेके, सिंधु घाटी रहेगी 1750, ठीक। इसके बाद हम आते हैं वैदिक काल, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व है ये। इस वैदिक काल को हमने दो भागों में बांट दिया था, पहला ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। क्लियर है? सिंधु घाटी इसका डिटेल हम पढ़ेंगे ना, अभी छूटा नहीं है, इंट्रो है जस्ट। ये सभ्यता कैसे आई, पूरा इसका अध्ययन होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। इसके बाद हम आते हैं वैदिक काल पे। वैदिक काल का पीरियड क्या था, 1500 से 600 ईसा पूर्व। फिर उसको हमने दो भागों में बांटा। वैदिक काल क्यों कह दिया, यहाँ की जानकारी वेदों से मिल रही है, राइट। आर्य सभ्यता भी कहते हैं, जो आपके मध्य एशिया है वहाँ पे एक देश है बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया से कुछ आर्यंस यहाँ पे आए थे, है ना, जिन्होंने, हम ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश किया, तो इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता के साथ साथ आर्य सभ्यता, ठीक। इसके हमने दो पार्ट कर दिए थे, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक का पीरियड क्या है, 1500 से 1000। इसका पीरियड क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बताएं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, पहले सिंधु घाटी था। अब आप फिर से देखिए, 2500 से 1750 सिंधु घाटी। फिर आप कहेंगे सर 1500 जो 250 साल थे उसमें कुछ हौचपौच रहा, कुछ प्रॉपर हमको उसका हम उसको प्रॉपर तरीके से इतिहास में वर्णित नहीं करते हैं। 1500 के आसपास हमको जो प्रॉपर साक्ष्य मिले हैं, जो उचित रूप से हमको साक्ष्य मिले हैं, 1500 में वेदों से अध्ययन मिल रहा है, इसलिए हमने इसको वैदिक काल कह दिया। और आर्यंस यहाँ पे आए थे, इसको हमने आर्य सभ्यता भी कह दिया। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक पीरियड में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, उत्तर वैदिक में सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, ओके। कहाँ पे आ गए हम, 600 BC पे। अब ये 600 BC कौन सा पीरियड था, इसके बाद क्या होगा जानते हैं, आपके यहाँ महाजनपद पीरियड आ जाएगा। 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ प्राचीन भारत में, वत्स है, कुरु है, अश्मक है, महिष्मती, ऐसे 16 हमारे पास, गांधार। पिक्चर क्लियर हो रही है, प्राचीन भारत को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं। पहला टॉपिक सिंधु घाटी, फिर दूसरा वैदिक काल रहेगा, तीसरा रहेगा हमारा महाजनपद पीरियड, है ना। 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ था कि आपका जो देश था उसमें कुछ महाजनपद से, मेनली 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था मगध। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मगध, राइट। मगध साम्राज्य को आप अगर देखें तो ये 16 का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इनने क्या किया, सभी जनपदों को हटाया और खुद गद्दी पर आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मगध साम्राज्य। क्लियर हो रहा है सभी को, सभी लोग कंसंट्रेट हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मगध साम्राज्य। टॉपिक वाइज चलेंगे, सिंधु घाटी, वैदिक काल, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक में बटा इसको। उसके बाद हम आते हैं महाजनपद पे, 600 BC के आसपास की बात है, 600 ईसा पूर्व। इन 16 में सबसे पावरफुल कौन था, मगध। मगध गद्दी पर आ गया। फिर यहां हम देखेंगे मगध साम्राज्य, तीन वंश आए थे, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। मगध में तीन वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। क्लियर है, मगध को देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको एक ब्रीफली विषय को याद नहीं करना है, बस ध्यान करते चलिए कैसे एक एक सभ्यता जाती है, फिर दूसरा आता है, एक वंश जाता है, फिर दूसरा आता है, ये एक प्रोसेस चल रही है।
तो हम लोग इसको स्टोरी में सिंधु घाटी से प्राचीन से लेके फिर मध्य मुस्लिम्स कैसे आए, फिर ब्रिटिशर्स कैसे आए, राइट। तो प्राचीन भारत का थोड़ा सा वर्णन चल रहा है। मगध जब आ जाएगा तो यहीं पर आपको जैन बौद्ध जानते हैं काफी फेमस हुए थे ये भी। ओके थैंक यू पूजा, कंटिन्यू, वेरी गुड, सब पिक्चर क्लियर हो रही है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत में देख रहे हैं टॉपिक वाइज। इसके बाद यही वो पीरियड था जब आपके यहाँ जैन बौद्ध का इंट्रो हुआ। क्या हुआ था कि जब आपके यहाँ जैन बौद्ध की एंट्री जानते हो, जैन बौद्ध की एंट्री क्यों हुई, एनीवन? पूजा, मनीषा, अरुण, ऑल सभी, जैन बौद्ध की एंट्री का मेन कारण क्या था? जब हम थ्री मार्कर्स में लिखते हैं या इसको, तो इसको लिखेंगे हम कि आप जानते हैं ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था यहाँ पे, ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था पूरे समाज पर। जैसे यूरोप में 16वीं-17वीं शताब्दी में पोप का हुआ करता था, उसी तरीके से ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। बहुत पूजा पाठ, कर्मकांड सब में ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस था। अब इतना ज़्यादा महत्व बढ़ गया ब्राह्मणों का कि लोग थोड़ा सा इरिटेट होने लगे, बोर हो गए। बोर इन द सेंस कि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी, कर्मकांड बहुत थे। तो इन्हीं के विरोध स्वरूप, ब्राह्मण के प्रतिक्रिया स्वरूप, इन्हीं के विरोध स्वरूप क्या हुआ, दो धर्मों का ऐसा उदय हुआ जो ना तो बलि पे विश्वास करता था ना हिंसा में विश्वास रखता था। इसीलिए हमने क्या बोला, क्या बोला हमने कि जब आपके यहाँ हिंसा आ गई, बलि आ गई, कर्मकांड आ गया, तो कुछ ऐसे धर्मों का उदय होना जरूरी था जिसमें इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं हो, स्थान ना हो। इसीलिए दैट इज़ वाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है 5th-6th BC में, 500 और 600 के आसपास हम देखते हैं। ये जो पीरियड था ये धार्मिक आंदोलन का काल कहलाता है। यहाँ पे बौद्ध और जैन, पहले कौन आया, जैन आए, फिर बाद में बौद्ध आए। जैनों में 24 तीर्थंकर थे, बौद्ध में गौतम बुद्ध अलग थे। इसको अभी हम लोग अध्ययन करेंगे, ये रिलीजियस मूवमेंट कहलाता है हमारा, राइट। अब प्राचीन भारत पे चल रहे हैं, सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद, मगध, जैन बौद्ध। फिर हम देखते हैं कि इसी समय मगध में जब नंदवंश था तो नंदों को ख़त्म करके मौर्यंस आ जाएंगे। आप जानते हैं नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था और संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। ये जाति से शूद्र थे, तो घनानंद की इस समय बहुत ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी थे चाणक्य, जिनको आप विष्णुगुप्त और जो हमारी कोचिंग का नाम है कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही हैं, ठीक है। ये घनानंद से इनका थोड़ा सा विचारों का मेल नहीं था, है ना, मतभेद और मनभेद दोनों थे। इसमें क्या हुआ, घनानंद चाणक्य से चिढ़ गया और उसने इनका अपमान कर दिया था। तो फिर चाणक्य ने किसको तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य वंश यहाँ से हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार और फिर अशोक, प्राचीन भारत के महान शासक, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। महान शासक में कौन आ जाएंगे, अशोक। फिर मौर्यंस को कौन ख़त्म करेगा, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग इनके काफ़ी फेमस राजा रहे जो ब्राह्मण थे, राइट। इसके बाद शुंगों को, ये हम प्राचीन भारत में हैं तो लगभग ईसा पूर्व यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। अब हम आएंगे ईसा बाद पे, तो ईसा बाद में सबसे शुरुआत वंश मेन कौन सा होगा, कुषाण वंश, जिसका एक शासक सबसे प्रमुख था कनिष्क, है ना, जिसके समय बौद्ध संगीति हुई थी, ओके। उसके बाद कुषाणों के बाद कौन आ जाएंगे, गुप्तांश आ जाएंगे,
क्योंकि गुप्तांश कौन थे, इन्हीं कुषाणों के साथ में थे और सामंत हुआ कर, सामंत समझते हैं जमींदारी प्रथा या सामंतवादी प्रथा, एक ऐसा वर्ग जो जमीन पर कृषकों से खेती करवाता था, है ना। तो इसके कुषाणों के बाद कौन आ जाएंगे, गुप्तांश। गुप्तांश में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रीगुप्त फाउंडर हो जाएगा और इसके खास खास राजा पढ़ेंगे फिर हम लोग, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, ये इनके दो तीन खास खास हैं। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी मौर्य अलग था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्तन वंश, जो गुप्त वंश का है, काफ़ी फेमस किंग हुआ, बहुत फेमस हुए, इन्हीं के समय फाहयान आए थे। ओके, गुप्तांश को कौन ख़त्म करेंगे, हम लोग प्राचीन के थोड़ा सा इंट्रो पे हैं, क्लियर हो रहा है, अभी फिर एक एक टॉपिक उठाएंगे, क्लियर हो रहा है सभी को। गुप्तांश को किनने ख़त्म किया था, हर्षवर्धन जो हरियाणा में अम्बाला के पास था, इनका वंश वर्धन वंश के थे, है ना, हर्षवर्धन आ जाएंगे। हर्षवर्धन का पीरियड क्या था, 606 से 646, ये ईसा बाद की बात हो रही है, हर्षवर्धन का पीरियड इसमें आएगा 606 ईसा पूर्व से 646 ईसा पूर्व तक थे ये, क्लियर है। अब जब यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन है जो कि बहुत फेमस किंग थे, इन्हीं के समय वेंशांग भारत आया था, तब 646 तक, 606 से 646, 646 तक हर्षवर्धन रहे, इन्हीं के समय काफ़ी अच्छा इनका शासन प्रशासन रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राजपूत, कुछ राजपूत इकट्ठे हो गए, तो 646 से लेके 1206 एडी पे हम लोग, ध्यान रखना प्राचीन भारत के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, 646 से 1206 ईसा बाद तक राजपूत काल चलेगा। यहाँ पे आप देखें हर्षवर्धन के तुरंत बाद कुछ राजपूत इकट्ठे हो गए थे, ये आपका आ जाएगा राजपूत काल, है ना, जैसे गुजरात के चालुक्य हैं, दिल्ली अजमेर के चौहान हैं, धार के परमार हैं, ये सब किसके ब्रांचेस थे, किसका रूप थे, राजपूत का रूप थे। तो 646 से 1206 जो हमारा प्राचीन भारत तक चलेगा, 646 से 1206 ईसा बाद तक राजपूत काल। इसी समय क्या हो रहा है, जो ठीक है प्राचीन भारत, ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1206 ईसा बाद तक, ठीक है, ये प्राचीन भारत हमारा, राइट। एक एक टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं, फिर अपन इसको कल से ग्रेजुअली एक एक टॉपिक उठा के इसको डिस्कस करेंगे थॉरोली, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जानते हैं आप 712 ईसा बाद की, कोई जानता है 712? पूजा कौटिल्य पे नाम पड़ गया था अपने, कौटिल्य चूंकि विष्णुगुप्त और चाणक्य काफ़ी फेमस है, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, तो हम लोगों ने भी उन्हीं उसी नाम को फॉलो किया, उन्हीं के नाम को फॉलो किया और हमारा नाम पड़ गया कौटिल्य एकेडमी। ओके, और बढ़िया, आप बहुत अच्छी संस्थान में हैं, इंदौर कौटिल्य एकेडमी में नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में हम लोग अपना पूरा 100% एफर्ट आपको पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये एक महान व्यक्तित्व थे, इन्हीं के नाम पर हमने हमारी कोचिंग का नाम कर दिया, राइट। तो हर्षवर्धन को फिर हम देख लेंगे, ठीक है, अभी हम प्राचीन भारत का इंट्रो ले रहे हैं, हर्षवर्धन को हम देख लेंगे 606 से लेके 646 तक, उसके बाद 646 से 1206 राजपूत काल आ जाएगा। अब इसी बीच में कुछ और घटनाएं घटेगी, राइट, ठीक है, 606 से 646 तक हर्षवर्धन, यस वेरी गुड। 712 किसी को याद है, एनीवन फटाफट बताइए कोई, इसमें सारे यूजी वाले स्टूडेंट हैं क्या सर, अरुण, हाँ सभी यूजी वाले हैं, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा इसमें कंफर्म करके, ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ,
और उनको कोई समस्या है तो बताओ। हाँ, राजपूत पे आ गए हम लोग, तो 606 से 646 राजपूत काल, 712 किसी को याद है क्या? दो तीन मिनट और है, 712 किसी को याद है? 712 ईसा बाद जब राजपूत काल चल रहा था, तो 712 में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यहां से आपके मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए। सभी लोग ध्यान से देखिए, 712 में हम लोग देखेंगे मुस्लिम आक्रमण कैसे शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद मोहम्मद गौरी, और इसके बाद मोहम्मद गजनवी, और फिर मोहम्मद गौरी। ठीक है, यहां से आपका मुस्लिम अटैक शुरू हो जाएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, राइट मनीषा, क्लियर नहीं हुआ? भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में। ओके, इसके बाद मुस्लिम दौर चल जाएगा, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ठीक, और ये रहेंगे आपके कब तक? 1206 तक, राइट। पिक्चर क्लियर हुई प्राचीन भारत की? कल टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे, आज थोड़ा इंट्रो था। 712 में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आए, उसके बाद गजनी आया, फिर गौरी आ गया, तो 1206 में ये मोहम्मद गौरी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्राचीन भारत में कहाँ तक रहेंगे हम लोग? 1206 तक, राइट। अब इस बीच में हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि साउथ इंडिया में भी, प्राचीन भारत में भी, दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, पांडे, ये तीन वंश जो संगम वंश में हम लोग देखते हैं, है ना, चेर, चोल, पांडे, ये तीन वंश रहेंगे हमारे संगम में। कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदियों का संगम था, इसलिए हमने इसको संगम काल कह दिया। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? तीन वंशों को। दक्षिण भारत का भी इतिहास थोड़ा सा इसमें, ये उत्तर भारत का भी रहेगा, और दक्षिण भारत के इतिहास को भी इसमें वर्णित करेंगे, राइट। और कहाँ तक आएंगे हम लोग? 1206 तक। क्लियर है एनीवन? अभी तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समझने में समस्या, जल्दी बताइए क्योंकि समय कम है। आज पहला डे है इसलिए दो चार पाँच मिनट में आपको, दो मिनट और दे दें। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो? ये प्राचीन भारत का इंट्रो था जस्ट। अब कल हम लोग टॉपिक वाइज, है ना, इसी प्रकार से जब मैं आपको मध्य शुरू करूंगा तो उसका पहले एक इंट्रो दूंगा, जब आधुनिक शुरू करूंगा तो उसका पहले एक इंट्रो दूंगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा आज? ADBC, प्रागैतिहासिक, ताम्रपाषाण, लोह। सभी लोग थम बताइए पॉजिटिव वाला, तो आगे बढ़ें। आज दो मिनट और थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट। ध्यान से सुनिए, प्राचीन भारत को शुरू किया हम लोग जाना इंट्रो में, उसके पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे। इसके बाद हम लोग जब प्राचीन खत्म करेंगे तो मध्य पे आएंगे, फिर आधुनिक पे आएंगे, लेकिन अभी अपन प्राचीन का इंट्रो लिया। अब प्राचीन के एक एक टॉपिक हम लोग कल से ग्रेजुअली शुरू करेंगे, ओके, टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा उस पर अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित अगर आपके कोई डाउट निकलते हैं तो आप उसको तुरंत पूछ लीजिएगा, ओके। फिर से देखिए, कल से प्राचीन भारत का टॉपिक वाइज उठाएंगे, उसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप तुरंत, चूंकि हम लोग ऑनलाइन हैं, काफ़ी फायदा है, तुरंत क्वेश्चन करिए, कोई शब्द में, कोई कंसेप्ट में, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली, क्योंकि टॉपिक अच्छे से रहेगा तो फिर अगला टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि सिक्वेंस है। पॉलिटी और हिस्ट्री, संविधान, इतिहास एक ऐसे विषय हैं जो एक सिक्वेंशियल में काफ़ी चलते, इतिहास तो बहुत ही सिक्वेंस में चलता है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, राइट फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, सभी लोग पॉजिटिव हैं, गुड फील है, ठीक है। तो ये हमारा प्राचीन का इंट्रो था, अब इसको हम टॉपिक वाइज कल से उठा लेंगे, और जब मध्य पढ़ेंगे तो मध्य का इंट्रो दे देंगे हम आपको, जब आधुनिक पढ़ेंगे तो फिर आधुनिक का इंट्रो दे देंगे, ठीक है। प्राचीन भारत की शुरुआत होगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से कल, इसके पहले एक और टॉपिक और होगा तो उसमें और ब्रीफली डिस्कशन कर दूंगा, जैसे इतिहास के स्रोत, ठीक। अब जैसे कल से हम लोग प्रोसेस वाइज चलेंगे, उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तुरंत पूछिए, ओके, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।